गांव जा रहे हैं, संविधान यात्रा कर रहे हैं जी। गांव-गांव जा रहे हैं, संविधान यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से। संविधान ने हम लोगों को जीने का एक अवसर दिया है सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, तो संविधान की रक्षा करना भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। और मैं भी भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस दिशा में प्रयत्नशील रहता हूँ। तो गांव ही क्यों साहब, गांव-गांव ही क्यों? गांव ही गांव से तो देश बनता है। भारत का जो असली मूल आत्मा है वो गांव में बसती है और मैं गांव का रहने वाला हूं, तो इसलिए गांव गांव जाकर के मैं भी उस आनंद को लेना चाहता हूं। क्या संविधान पर के प्रति आस्था रखते हैं? संविधान के संविधान से पूरा भारत चलता है और भारत के लिए संविधान जो है भारत की आत्मा है और उसमें हम सबका ध्येय बनता है कि संविधान का अनुपालन अक्षर से होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला अनूप शहर के ग्राम करनपुर में पहुंचा हूं और ये ग्राम करनपुर में गांधी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की जगह है। मेरे साथ रमेश है कैमरे पर और मैं चाहूंगा रमेश एक बार जरा दिखाएं। ये गांधी शिक्षा निकेतन का एक ग्राउंड है जहां पर कार्यक्रम रखा गया है संविधान जागरूकता अभियान, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें मुख्य अतिथि माननीय केपी चौधरी, प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठनों संगठन महासंघ उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। ये वो टीम है, सोनू प्रधान है, संजीव प्रधान है, करनपुर के हैं सोनू प्रधान, राजीव प्रधान है पगोना के, असलम प्रधान है दरोरा के और रविंदर प्रधान है ए निवास गांव से। ये वो पूरी टीम है जो इस कार्यक्रम को कर रही है और देखिए कितना सुंदर एक चित्र संविधान का संविधान जागरूक अभियान के तहत यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए लोगों को जानकारी दे सकें संविधान क्या है। आइए कुछ साथियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, जानते हो संविधान के बारे में कुछ? हाँ जी। क्या जानते हो? संविधान मतलब कि संविधान बचाओ जागरूकता अभियान चल रहा है। नहीं, संविधान क्या है, क्या बचाना है? संविधान को बचाना है। संविधान मतलब संविधान क्या है जिसको बचाना चाहते हो? संविधान है हमारा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है संविधान? मैं क्या बचाओगे संविधान के अंदर? दीमक लग गई है, उसे साफ करोगे, पेंट करोगे, क्या करोगे उसको? संविधान के बारे में कुछ जानते हो? अभी पढ़ा नहीं है संविधान के बारे में, लेकिन हम जानकारी लेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा उनसे चर्चा करते हैं। संविधान जागरूक अभियान आप चला रहे हैं, क्या किससे बचाना है संविधान को? साथियों सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं वीर बहादुर बौद्ध जनपद जालौन से जी, हल मुकाम सलगवा नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार में रहते हैं जी। जी जी। यहाँ की कार्यक्रम में मुझे सूचना मिली कि आज यहाँ के पी चौधरी जी का प्रोग्राम है, हम चलो हम भी आज कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कार्यक्रम में जी। मैं लगभग यहाँ आ गया था 9:30 बजे। अच्छा, यहाँ देखा। हाँ जी, क्योंकि साउंड सर्विस जो है ये हमारी टीम का ही साउंड सर्विस। अच्छा। है, मैं संगीत के माध्यम से संविधान को सुनाने का काम करता हूँ। अच्छा। जी, और आज देखो ये हो सकता मौका मिले अभी सुनाएंगे भी। चलिए तो, दो पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बात करो पैदा, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा अपनी जुबानों में, और दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है इन भी मुदीबानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भी मुदीबानों में। चलिए कुछ बात करो पैदा। मैडम मैडम मैडम, कुछ बात करो पैदा। मैडम किस तरह का कार्यक्रम है, आप लगातार प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही हैं? अभी हम गांव में भी गए हैं, लोगों का आना जाना हो रहा है, लोग बड़े उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं। तो इस तरह का पहला कार्यक्रम है आपके? जी हाँ, पहला कार्यक्रम है ये हमारे। क्या क्या समझा पा रहे हैं संविधान के बारे में लोगों? संविधान के बारे में समझा रहे हैं कि जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में केपी चौधरी साहब आ रहे हैं, वो हमारे लिए विदेशों में लड़ाई लड़ रहे हैं,
क्योंकि अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले अमेरिका में एक रोड का निर्माण हुआ था, वो बाबा साहब के नाम से निर्माण था, वो भी केपी चौधरी साहब ने किया था। संविधान के प्रति क्या जागरूक कर रहे हैं, किस किससे खतरा है आने वाली 2024 में जो बीजेपी की सरकार है, हमें उससे खतरा है। क्योंकि आने वाला जो 2024 है, उन्होंने हम लोग मतलब उन्होंने कहा है कि हम संविधान को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, पर हमारा जो बहुजन है, वो पढ़ा लिखा लोग है, वो संविधान को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। चलिए, संविधान को, संविधान जागरूकता के साथ साथ संविधान को बचाना भी है, ऐसा मैडम का कहना है। कुछ और साथियों से चर्चा करेंगे। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, लोगों में कैसा उत्साह है? ना लोगों में काफी परिचय के साथ। मेरा नाम केपी गौतम है जी, और मैं सियान क्षेत्र से रहने वाला हूँ जी। मैं जो आज यहाँ प्रोग्राम है संविधान जागरूकता अभियान का, उसमें शामिल होने आए हम लोग, और काफी लोग हैं हमारे साथ में, 10-15 लोग आए हैं सियान क्षेत्र से जी। तो क्या लग रहा है लोगों में जो रुझान है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ कर पड़ रही है कार्यक्रम में, संविधान के प्रति जागरूकता हो रही है लोग? हाँ जी, संविधान के प्रति जागरूकता हो रहे हैं हमारे लोग, और भीड़ आ रही है, और देखो यहाँ पे उत्साह देखने को मिलेगा काफी लोगों का, और थोड़ी देर रुकने के। चलिए, 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना था, और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको सुबह 11 बजे की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोगों का आना शुरू हो गया है, और लोगों से चर्चा भी करेंगे, क्या उनका कहना है संविधान के बारे में, संविधान की शपथ को लेकर। संविधान जागरूक अभियान आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की जागरूकता अभियान फैला रहे हैं आप यहाँ पर? ये सलाह लेना चाह रहे हैं भाई, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे समाज और हमारे तबके के लोग हैं, वो संविधान के बारे में जाने, संविधान है क्या जी। और बहुत ही विचार अच्छे रहेंगे हमारे जो माननीय मुख्यातिथि के पी चौधरी साहब आ रहे हैं, तो इनका मुझे लग रहा है कि जैसे इनके विचार हैं, लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा लगेगा इन लोगों को। अच्छा लगेगा, हाँ जी। कहीं ना कहीं जो मुख्य अतिथि है, वो संविधान के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तो लोग समझेंगे उस बात को। संविधान जागरूकता अभियान 6 मार्च 2024, हमारा संविधान हमारा अभिमान। मुख्य अतिथि केपी चौधरी, प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केपी चौधरी पहुंच चुके हैं गंतव्य पर। साथियों, ये जो खुशी है, इन खुशियों को भरने का कार्य कीजिए। आज जो भारत में जो लड़ाई चल रही है, वो सिर्फ खुशी की लड़ाई चल रही है। मेरे बोले वाले साथियों, जो भी कुछ है खुशियों भाई, सभी बैठ जाएं, अपनी अपनी व्यवस्था भंग ना करें।
सभी बैठ जाए कुर्सियों पर। मेरी आवाज को सुन रहे हैं, दो भी आए और मंच पर आकर गौतम बुद्ध और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के चित्र पर फूल अर्पित करें, माला अर्पित करें और हमारे जो